चक्रवर्ती को वो सुख नहीं, सुरेंद्र इंद्र के पास वो सुख नहीं जो एकांतवासी नव मुनि को सुख की उपलब्धि होती है। शीतल मुनि के आश्रम में राजा भगीरथ गए। निदान मैंने राज्य किया, स्वर्ण के बर्तनों में खाकर देखा, लेकिन मेरी वृत्ति को कहीं तृप्ति नहीं हुई। ये भोग जो है प्रकृति जन्य है और प्रकृति के सब भोग मिलकर भी एक व्यक्ति को परितृप्त नहीं कर सकते। भूख लगी है पेट में और हलवा बांधे पीठ पे तो भूख नहीं मिटेगी। ऐसे ही हमारा स्वरूप आत्मा परमात्मा का अंश है। ममैवांछो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो हम सनातन सत्य स्वरूप रस स्वरूप परमात्मा का ही हमारा आत्मा जब तक शाश्वत स्वर शाश्वत स्वरूप का अनुभव नहीं करेगा तब तक चक्रवर्ती राज्य सुरेंद्र राज्य या और कोई मिल जाए पद पदार्थ उन पदार्थों से पूर्ण तृप्ति का अनुभव नहीं होता। हे मुनीश्वर मैं राज्य सुख भोग कर आया लेकिन सुख नहीं है, अब मुझ पर कृपा करो। तब तीतल ऋषि कहते हैं भगीरथ, उस भगीरथ की कथा है जिसके नाम से भागीरथी गंगा चली। मुनीश्वर कहते हैं कि जब तुम्हें प्रतीति होने लगी हम अपने वृत्तियों को आप न पहचाने तो हजारों कसम खाने से भी हमारी वृत्तियां बदलती नहीं। वृत्तियां बदलती हुई दिखती है लेकिन बदली हुई वृत्तियां भी प्रवृत्ति उसी प्रकार की करती है। हम अपने को नहीं जानते तो कुछ होकर दिखाने का प्रयास करती है। हम वास्तव में क्या है उसका हम लोगों को पता नहीं, उसलिए हमारी वृत्ति कुछ बनकर दिखाने का प्रयास करती है। धनवान बनकर, पुत्रवान बनकर, सत्तावान बनकर, बाप जी बनकर, बेटा जी बनकर, सेठ जी बनकर, कुछ बनकर हमारी वृत्तियां दिखाने की कोशिश करती है। और ये बनकर दिखाना जो बनता है वो बिगड़ता है। जो बनकर दिखाया जाता है वो सार नहीं जो वास्तविक में, उसको यदि पहचान लिया जाए तो फिर बना हुआ और वास्तविक वास्तविक ये पता चल जाता है, वो मुक्त आत्मा कहा जाता है। पीतल मुनि कहते हैं कि राजन तू आज तक जो बना है उस बने हुए को भीतर से बिखरा के मेरे पास आ जा, और भीतर से नहीं बिखरे तो बाहर से बिखेर के आ जा। भगीरथ राज्यपाट देकर वजीरों को अधिकारियों को खाली हाथ होकर आ जा और शत्रुओं के घर भिक्षा मांग ले। प्यास थी तड़प थी, भगीरथ ने ऐसा किया। कथा कहती है कि 7 दिन के अंदर राजपाट की व्यवस्था करके शत्रुओं के द्वार पर भिक्षा मांगकर उस महारथी ने तीतल ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। तीतल ऋषि बोलते हैं बोल राजन अब तेरे को क्या चाहिए। तो महाराज जब तक चाहिए था तब तक कुछ नहीं मिला था और लगी थी भीड़ के बहुत मिला है, बहुत कुछ पाया है और कुछ पाऊंगा, बहुत कुछ किया है और कुछ करूंगा, बहुत कुछ खाया बहुत कुछ जाना और कुछ जानूंगा। लेकिन अभी पता चला कि आज तक कुछ जाना नहीं था, ये केवल वृत्तियों का खिलवाड़ था। वृत्तियों ने हमें ठग लिया था, चाहने इच्छाओं ने तृष्णाओं ने हमें परेशान कर लिया था। महाराज अब तो चित्त में वो शांति आ रही है कि अब कुछ चाहिए तो नहीं लेकिन प्रभु के दर्शन करने का थोड़ा विचार आ रहा है। अच्छा तू बैठ खोज प्रभु कौन सा प्रभु पाना चाहता है और वो प्रभु तेरे से कितना दूर हो सकता है। तीतल ऋषि की कृपा कटाक्ष हुई, बैठे खोजा कुछ गहरे गए, देखा कि सब वृत्तियों का खिलवाड़ है, चाह मात्र वृत्ति है। उस वृत्ति का जो साक्षी बनने को जा रहा है, वृत्ति को जो निहारने जा रहा है, जो वृत्तियों की परंपरा कट होती जा रही है। देखा कि वृत्तियों की परंपरा कट होती जा रही, कम होती जा रही। वृत्तियों को देखने वाला कोई है, वो देखने वाला कौन है। सोच सोचते 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 अवाच्य पद में पहुंचा है। अवाच्य पद में पहुंचा है तब चेहरे पर ब्रह्म विद्या का तेज चमकने लगा है, आत्म शांति की झलके आने लगी है।
पीतल ऋषि समझ गए कि आज ये जीव शिवरूप हो गया है, ये जीव ब्रह्म रूप हो गया। ऐसा नहीं कि ब्रह्म को बुलाया गया था, ऐसा नहीं कि परमात्मा को कहीं, परमात्मा कहीं और हम कहीं उसको लेने जाएंगे, अथवा परमात्मा कहीं से आ जाएगा और हमारे भीतर घुस जाएगा। ईश्वर और हमारे बीच एक धागे भर का अंतर नहीं, एक रत्ती भर का अंतर नहीं, लेकिन इन वृत्तियों ने हमें सदियों से माँ के शीर्ष आसन कराए, माँ के गर्भ में घुमाया। न जाने कितने बाप बदले, कितनी माँ बदली, कितने मित्र बदले, कितने रंग बदले, कितने परिवार बदले, ये वृत्तियां हमें भगा रही। तो बोध का मतलब है वृत्तियों को देख कर, वृत्तियों से निवृत्त होकर अपने स्वरूप को पहचान ले। पीतल ऋषि के सत्संग से राजा भगीरथ ने अपने स्वरूप को पहचान लिया। भगीरथ को कहा कि अब तू निशंक होकर विचर, सारा विश्व तुम्हारा ही है। राजा भगीरथ घूमते घूमते साधु का वेश, पकड़ का वेश, वलकल पहना हुआ, कोपिन पहनी हुई, बाहर से तो महादरिद्री दिख रहे थे लेकिन वितराग थे, उनका राग व्यतीत हो चुका था। जिसका राग व्यतीत हो चुकता है उसका भय क्रोध सब व्यतीत हो जाता है। वासना ही तो हमें भयभीत करती है। एक सज्जन है यहीं बैठे हैं, कोई सिंह आया, कहीं से पसार हो रहे थे। मेरे को किसी साधक ने कहा कि हमारे मित्र हैं, सिंह आया फिर भी डरे नहीं। डर किसको होता है? डर वासना को होता है। जीने की वासना भय ले आती है, जीने की भी वासना जितने अंश में कम है उतना हमारा चित्त निर्भीक है। धन की वासना जितनी कम है उतना हमारा चित्त उस विषय निर्भीक है। ऐसे ही वासनाएं जो है हमको छोटा बना देती है। वशिष्ठ जी बोलते हैं कि हे राम, जीव जितनी जितनी वासनाएं करता और वासना का आग्रह करता है उतना उतना वो छोटा होता चला जाता है, और जितनी जितनी वासनाएं छूटती है उतना उतना वो महान होता चला जाता है। चाह चमारी चोहड़ी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाहन होती बीच। तो ब्रह्म भाव में विचरते विचरते भगीरथ कभी किसी गांव, कभी किसी शहर, कभी किसी नगर घूमते घूमते एक नगर के द्वार पर संध्या को पहुंचे। द्वार बंद हो गए, प्राचीन जमाने में कोट हुआ करते थे, बाहर पड़े रहे। भिक्षावृत्ति मिली न मिली, कपड़ा बपड़ा तो था नहीं, ठंड में ठुठर रहे। लेकिन ठंड मुझे लग रही थी, आज तक मान रहे थे, लेकिन अब समझते कि इसको ठंड लग रही है, मेरे को ठंडी कैसे लगती, ठंडी को ठंडी ना लग जाए जो मेरे पास आए। सुख के साक्षी न हो पाए लेकिन अब दुख के भी साक्षी हो रहे हैं। संतों का तो ऐसा अनुभव है कि सुख और दुख दोनों भगवान की लीला है, प्रसाद है, लेकिन सुख से आदमी इतना जल्दी नहीं जग सकता जितना दुख की अवस्थाओं में जग सकता है। सफलताओं में इतनी जागरण नहीं हो सकता जितना असफलता भी आदमी को जगाती है। सफलता असफलता मित्र देकर परमात्मा तुम्हारा विषाद दूर करता है, और शत्रु देकर तुम परमात्मा तुम्हारा अहंकार दूर करता है। ये सब परमात्मा की देन है। उन दोनों देनों को प्रसाद समझकर यदि तुम अपने आप में जग जाओ तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ, ऐसा कोई साधु नहीं हुआ, ऐसा कोई राजद्वारी पुरुष नहीं हुआ, ऐसा कोई सेठ नहीं हुआ, ऐसा कोई तपस्वी नहीं हुआ जिसके सब दिन एक जैसे अथवा जिसकी सब वृत्तियां परिपूर्ण हुई हो। वृत्तियां समझते ना, संकल्प, सब वृत्तियां परिपूर्ण। परिपूर्ण तो परमात्मा है। अगर सब वृत्तियां परिपूर्ण हो जाए फिर भी तृप्ति नहीं होगी। श्लोक कहता है न तत् सुखम सुरेंद्रस्य न सुखम चक्रवर्ती नाम। चक्रवर्ती सम्राट भी हम बन जाए तो भी तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि वृत्तियों से तृप्ति कभी संभव नहीं है। रामतीर्थ कहते हैं कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में, कोई खान मस्त पहरान मस्त, कोई राग रगीनी दोहे में, कोई अकल मस्त कोई शकल मस्त, कोई चंचल ताई हांसी में, एक खुद मस्ती बिन और मस्त, सब बंधे अविद्या फांसी में। कोई योग मस्त कोई भोग मस्त, कोई रिधि मस्त कोई सिद्धि मस्त, कोई लेन देन की कल कल में, एक खुद मस्ती बिन और मस्त, सब बहे अविद्या दल दल में। ये अविद्या जो है हमें अपने विद्यमान सुख को नहीं देखने देती,
अपने विद्यमान राज्य को नहीं देखने देती, अपने विद्यमान खजाने को नहीं देखने देती, और मोक्ष की इच्छा मात्र से आदमी सदाचारी होने लगता है। आत्मदेव को पहचानने की इच्छा मात्र से शुभ इच्छा करो तो अशुभ इच्छाएं अलविदा हो जाती है, और जब शुभ इच्छा रह जाती है तो फकीर समझा देते कि इस इच्छा को भी छोड़, शुभ इच्छा जहाँ से उठती है वो परम शुभ परमात्मा है, उस परमात्मा का दीदार करने पर वो परम सुख का अनुभव करता है। भगीरथ राजा घूमते घामते नगर के बाहर आए, कोर्ट का दरवाजा बंद हो गया है और वो फकीरी वेश में, भिखारी वेश में लेटे हैं विश्व के सम्राट। कुछ ऐसी लीला हुई कि नगर का राजा चल बसा, और उस राज्य का नियम था कि हथिनी को सजाया जाता था और हथिनी जिस पर कलश ढोल दे वो राजा बन जाता था। रात को तो सोए हैं दरवाजे के बाहर भूखे प्यासे, लेकिन प्रारब्ध क्या कर रहे हैं, अथिनी को सजाया, अथिनी जो द्वार से बाहर आई तो पहले पहले इस पुरुष को देखा और उसके ऊपर मटका ढोल दिया। अभी तक तो उनको खाने का नहीं था, ओढ़ने का नहीं था, लेकिन अथिनी ने एक कलश पानी ढोल दिया, वो सम्राट बन गए। अथिनी एक कलश पानी ढोल दे तो आदमी सम्राट बन जाता है, ऐसे सतपुरुष अपना परमात्मा तत्व का कलश दे ढोल देते तो जीव शिव रूप में प्रकट हो जाए तो क्या आश्चर्य है। वहां का राज्य किया और उस राज्य की सुवास गई, अपना राज्य जो छोड़कर आए थे उस राज्य तक हवा फैली और वे लोग आए कि महाराज पधारो। आदिजी की प्रार्थना की, भरतरी भगीरथ ने दोनों राज्य संभाले। पहले एक राज्य भी बोझा था, लेकिन तत्व ज्ञान हो गया तो दोनों राज्य उनके लिए खिलवाड़ हो गया। वासना मूर्ति के बाद जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति में अपना तो कल्याण अकल्याण होता ही नहीं, लेकिन लोगों का बड़ा कल्याण होता है। लोग तो बहुत सुखी थे, प्रसन्न थे। एक दिन विचार आया कि सगर राजा के पुत्र श्राप से चले गए थे तो गंगा जी को लाने का, सब छोड़ के फिर चले गए। जिसको भीतर का सच्चा सुख मिल जाता है उनको बाहर के रमकड़े रखना और छोड़ना उनके लिए खेल हो जाता है। बच्चा छोटा है तो खिलौने छीन लो तो रोएगा, जब बड़ा हो गए, वो बच्चा बड़ा हो गया तो खिलौने को छू भी लिया हमने, खिलौना उठा भी लिया तो भी आसक्ति नहीं, और फेंक भी दिया तो कोई फेंकने का अहम नहीं हमें। ऐसे ही हमारी वृत्ति, छोटी छोटी वृत्तियों से हम बचकर हमारी वृत्ति यदि ब्रह्माकार हो जाए एक बार, उस ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर ले तो हम तो समझते कि मरने के बाद ही छोड़ना है, तो जीते जी छोड़ो, चलो जाओ जंगल में। जंगल में चले गए, जंगल में जाना जरूरी नहीं और न जाना भी जरूरी नहीं, उनके लिए ये करना जरूरी है ये न करना जरूरी नहीं। जरूरी जो था अविद्या को दूर करके अपने वास्तविक तृप्त स्वरूप को जान लिया, ये जरूरी था, बाकी उनके लिए और कोई जरूरी नहीं रह जाता है। अपन को लगता कि आटलू तो दुनिया में आपने करवू चाहिए, मारो छोकरो छे छोकरा माटे आटलू करवू जोईए, फलाना माटे आटलू करवू जोईए। अखा भगत कहते अखो कहे अंधारो कुओ झगड़ो मटाड़ी कोई ना मुओ, आ जगत नो झगड़ो मटाड़ी कोई निराते गयो होय देखातो नथी, खून पसीना बाता जा तान के चादर सोता जा, ये किश्ती तो हिलती जाएगी तू हंसता जा या रोता जा। जगत एटले एम थई जवानु, अपना थी मने एटलू बराबर छोकरा छया बीजा तीजा माटे व्यवस्थित करवानु, आनु नाम जगत छे, आनु नाम दुनिया छे, इसी का नाम संसार है। तो संसार के रहस्य को जो जान लेते हैं वो फिर राज्य में चिपकते भी नहीं है और राज्य से घृणा भी नहीं करते, उनकी सहज स्फूर्ति सहज मस्ती ईश्वरी संकेत जैसा होता है चल दिए जाकर फिर एकाग्र किया अपनी वृत्ति को और भगवान शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी ने गंगा को मस्तक पर धारने का स्वीकार किया और गंगा जी लाए, इसलिए गंगा जी का नाम पड़ा भागीरथी गंगा। और अपने कहते हैं कि भगीरथ प्रयत्न करो अर्थात दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय में रुकावट क्या आती कि वासना, अगर हमारे पास वासनाओं की कमी है तो हमारा निश्चय दृढ़ है और वासनाएं अधिक है तो हम चाहते हुए भी दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते। तो परसों मैंने बताया था कि वासना का जो हमारा केंद्र है
वासना की जगह पर परितृप्ति का यदि उसका रूपांतर हो जाए तो परितृप्ति अनुभव होती है, और भीतर से जब तक परितृप्ति का अनुभव नहीं होता, बाहर से कितने ही हम परितृप्त होने का साधन जुटा लें, फिर भी देखते हैं कि बस कुछ न कुछ दिखता है, जीवन पूरा खो देते हैं, जीवन पूरा खर्च होता है, लेकिन तृप्ति का स्वाद नहीं आता। श्लोक यहाँ कहता है, न तत् सुखम सुरेन्द्रस्य न सुखम चक्रवर्तिनाम, यत् सुखम वितरागस्य मुने एकांतवासिनः। एक में ही हमारी वृत्ति का अंत हो जाए, एक में ही हमारी वृत्तियों का रूपांतर हो जाए, एक ही तत्व में हमारी वृत्ति निश्चित हो जाए, तो वो जो सुख मिलता है, एकांतवास जो मुनि को सुख मिलता है, वो इंद्र को बिचारे को नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, तीन टूक कौपीन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुबीर बसे तो इंद्र बापड़ो खून। पीत्वा ब्रह्म रस योगिनो भूत्वा उन्मतः, इंद्रोमपि रंकवत भाषित अन्य से का वार्ता। ऐसा सुख सबके पास मौजूद है, लेकिन ये हमारी भिन्न भिन्न प्रकार की धारणाएं, भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियां, भिन्न भिन्न प्रकार की वासनाएं जो है वो हमको घसीट के हमारा जीवन पूरा खत्म कर देती है। वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी को योग वशिष्ठ में, हे राम जी, ऐसा दुख तो नरक में भी नहीं जितना तृष्णा से होता है, और ऐसा सुख तो स्वर्ग में भी नहीं जो तृष्णा निवृत्त करने से प्राप्त होता है। इसलिए संसार की, संसार रूपी दुख की बेली को सींचने वाली तृष्णा रूपी जल है। संसार माना क्या, जो सरकता जाए, हम जो कल थे इतने अभी नहीं है, अभी यहाँ मंडप में आते समय जो हमारी उमरिया थी वो इस समय नहीं है, और इस समय जितने हमारे श्वास हैं घड़ी भर के बाद नहीं रहेंगे, हम मौत की तरफ आगे बढ़े जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं। मैं कई बार इस बात को दोहराता हूँ कि अभी केले को मिलकर शमशान में कई बेचारे मुर्दे जलते होंगे, कल इस समय उनका तो क्या क्या था, 6 वर्ष बमणा कर्या छे, हवे पछी आवशे तो वळी पाछा बमणा करीश, 6 वर्ष बमणा। कई ऐसे भी होंगे, कई कुछ और होंगे, कितना कितना उनका प्लान होगा, कितनी कितनी आकांक्षाएं होगी, उनको बिचारों को पता ही नहीं था कि कल इस समय तो आकांक्षाओं से भरा था, और इस समय बबुक 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 चारों तरफ ये आग लगी, ये पैर गिरा, ये सिर फटा, ये हुआ, सब चला गया। समान 100 साल का पता पल का नहीं, इतना अनिश्चित जीवन है कि कोई पता नहीं कि कहां हम गिर पड़े, कहां हमारा आयुष्य समाप्त हो जाए। तो मरने के पहले यदि हमारा भीतर का अज्ञान मर जाए, शरीर के नष्ट होने के पहले यदि हमारे और ईश्वर के बीच की जो खाई है वो नष्ट हो जाए, तो हमारा जीना आना संसार में सार्थक हो जाता है, नहीं तो बहुत हानि रह जाती है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेवम इति महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, और सर्वत्र वासुदेव देखने की कला आ जाए या कला दिला दे, ऐसे महात्माओं का संग भी बड़ा दुर्लभ। तो ऐसे महात्माओं का संग मिल जाए और हम अपनी वृत्ति को पहचानने की कला पाले, तो फिर तो भाई राज्य करे, युद्ध करे, धन दे, धन ले, लेकिन अंदर से वो अपने को जो का त्यों जानता है, उसका जीना और ढंग का हो जाता है, उसका जीना सचमुच अपने आप में परितृप्त होता है। और हम लोगों का जीना, कितना भी हम कुछ कर लें तो भी कुछ न कुछ हमें लगता है कि और इतना और इतना, और ये भूख ऐसी है कि जितना कुछ दिया जाए जिस भोग को हम भोगे उतना कम लगता है। धन दौलत अपने लिए इकट्ठी किया, नहीं थी तब भी कमी थी, आई फिर भी कम लग रहा है, और आई तो भी कमी लगेगी। सारे विश्व का धन दौलत सामग्री एक व्यक्ति को दे दिया जाए फिर भी वो पूर्ण तृप्त नहीं हो सकता है। स्वर्ग का राज्य एक स्वर्ग का राज्य नहीं, ऐसे 1000 राज्य एक व्यक्ति को दे दिए जाए स्वर्ग के, पूरी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब पदार्थ प्रकृति के हैं, प्रकृति पूर्ण नहीं है, प्रकृति अपूर्ण है। हमें लगी तो भूख है और हवा खाए जाए, हवा पिए जाए, नहीं, हम लोगों के लिए हवा नहीं है, हम लोगों के लिए अन्न है। लगी तो प्यास है और सो जाए, नींद नहीं आएगी। ऐसे ही हमारे वास्तविक स्वरूप को सच्चे सुख की लगन है। इंद्रियां
आंख रूप के तरफ ले जाती है, कान शब्द के तरफ घसीटता है, जिह्वा रस के तरफ घसीटती है, मन कभी कभी शांति भी चाहता है। क्यों? कि मनोवृत्ति जो है उस आत्म शांति से उत्पन्न होती है, परमात्मा चेतना से ही मनोवृत्ति उत्पन्न होती है। और उस मनोवृत्ति को मौका नहीं मिलता जिज्ञासा का और खोजने का और उस स्वरूप में आने का, तब तक फिर बिचारी बहल जाती है, बहल बहल के थकती है। अब थकान के कारण फिर उसे मूर्छा आ जाती है, स्वरूप के करीब तो जाती है लेकिन स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता है। और ये हम लोगों को भ्रांति है कि हम कुछ पाकर सुखी होते हैं। नहीं, हम पाकर सुखी नहीं होते हैं, जो कुछ पाया है वो छोड़कर सुखी होते हैं। जरा ध्यान देंगे, हम समझते हैं कि हम कुछ पाकर सुखी होते हैं, नहीं, पाने की वासना है तब तक दुख है और पाई हुई चीज आ गई, वासना हटी तब सुख हुआ, एक बात। और अभी जो कुछ हमने पाया है, जो कुछ हमारा हमको लगता है, सब को रात्रि को छोड़ते हैं। लोग बोलते हैं पदार्थों के साथ संबंध जोड़ने से सुख आता है, नहीं, पदार्थों के साथ के संबंध विच्छेद का सुख मिलता है, जोड़ने का सुख नहीं होता। पदार्थों का चिंतन होता है, पदार्थ आ गए, संबंध विच्छेद हो गया, चिंतन विच्छेद हो गया, उसलिए सुख हुआ। दूसरा, रात्रि को हम सोते हैं तो प्रिय से प्रिय मित्र, प्रिय से प्रिय पदार्थ, इन सब का संबंध छोड़ते तब नींद आती। कोई वस्तु को, कोई पदार्थ को, कोई व्यक्ति को, कोई अवस्था को तुम जब तक पकड़े हुए हो तो नींद भी नहीं आती। तो इन सब का संबंध टूटता है तब आपको नींद का सुख मिलता है। और ये प्राकृतिक घटना से टूटता है। यदि तुम साधना करके, पुरुषार्थ करके, ब्रह्माकार वृत्ति बनाकर जागृत में इनका संबंध विच्छेद कर दो तो तुम्हें साक्षात्कार हो जाएगा। नींद में जो संबंध विच्छेद होता है, संबंध विच्छेद होता है तब नींद प्रगाढ़ होती है, तो शरीर की थकान मिटती है। ऐसे ही जागृत में संबंध विच्छेद हो जाए तो जन्म जन्मांतर की थकान मिट सकती है। भोगान भुक्तम भरतरी महाराज गोरखनाथ के चरणों में गए के महाराज नाथ अब कृपा करो। भोगान भुक्तम वयमेव भुक्ता, कालो न याति वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया, समय नहीं गया, हम ही बूढ़े हो गए। अब महाराज कोई कृपा करो कि घर में घर दिखला दो। गोरखनाथ ने देखा कि विवेकी है, विचारवान है, थोड़ा बहुत रहे और अपना विचार था, समझ थी, सत्कर्म था, तब तो अच्छे विचार आते और संतों के पास जाने की रुचि होती। भरतरी ने कुछ पा लिया और वो आत्ममस्ती में अवधूत किनाई बिचरने लगे। घूमते घामते कोई पहाड़ियों में अपने ब्रह्मानंद के दिन बिता रहे थे। कोई बूढ़ा ब्राह्मण उनको पहचान गया कि ये मानो न मानो ये बाबा जी हैं, लेकिन ये हैं तो चक्रवर्ती सम्राट राजा भरतरी हैं। तो ब्राह्मण ने अपना पुकारी छोड़े, राजा दिराज महाराज अन्नदाता गौ ब्राह्मण प्रतिपाल महाराज लाओ दक्षिणा। ब्राह्मण बेचारा विजिशु गया। भरतरी कहते हैं मैं राजा नहीं, अभी अब तो देख वलकल पहने हैं, अब राजा काहे का मैं। बोले महाराज अब तो पहले तो राजा थे, अब तो महाराज हुए आप, अब तो ज्यादा दक्षिणा मिलनी चाहिए। बोले दक्षिणा तो देने का, जो तू दक्षिणा मांगता वो तो अब मेरे पास है नहीं, हम तो भगवान का भजन सिखा दे, ध्यान कुछ हरिओम मरियम सिखा दे, कुछ सिखा दे। महाराज हमारा तो हम तो बाबा जी बन गए, हमारे तुम्हारी नजरों में तुम्हारे पास कुछ नहीं, लेकिन हमारी नजरों में कि आपके पास बहुत कुछ है, हमारे लिए आप वही भरतरी महाराज है, महाराज हो जाए कुछ। भरतरी ने लिया वलकल तक का टुकड़ा, कुछ लिख दिया वजीरों को कि इसको तृप्त करना है। वजीरों ने देखा कि महाराज सब कुछ छोड़ गए हैं, इनको तृप्त करना। वजीर ने कहा बोलो क्या चाहिए। बस महाराज ने कहा है मुझे तृप्त कर दो, जो कुछ तुम देते हो। वजीर से आने थे कल सुबह आ जाना,
सातों खजाना कथा कह रही है, सात खजाने खोल कर रखती है। बोले जिस भी खजाने से चांदी के रुपए हैं, सोने की अशर्फियां हैं, जवेरात है, हीरे हैं, गिनिया है आदि आदि सातों खजाने, एक खजाने में से तू जितना उठा सके उठा के ले जा। एक देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, वृत्ति तो थी मांगने की लेकिन वृत्तियां बदलती रहती। महाराज का दर्शन करने के बाद, खजाने देखने के बाद एक वृत्ति सात्विक आई कि ये सात खजानों में से एक खजाना है, मैं कब जितना मेरे हाथों में आया उतना मैं ले सकता हूँ। ये सातों के सात खजाने जिनके पास सदा मौजूद थे, वजीर जी हजूर कर रहे थे, ऐसा वृत्ति सबको छोड़ के गया है तो कुछ विशेष होगा, तभी तो गया है। ब्राह्मण कहता कि ठहरो, देने चाहिए, जिन्होंने चिट्ठी दिए मैं उनके पास फिर जाऊंगा। ब्राह्मण भागा। भरत तो कभी किधर कभी किधर, खैर उनको कोई पहाड़ी इलाकों में चश्मे के पास बैठे हुए ब्रह्मानंद की मस्ती, एकांतवासिना आत्म मस्ती का उपभोग करते देखा कि महाराज गए तो सही, वजीर देने को तो राजी थे, लेकिन अब मेरी प्रार्थना है कि सब राजपाट, सातों के साथ खजाने, वजीर जी हजूर करने वाले, सब इर्द गिर्द सब मंडारने वाले, इन सबको छोड़कर जो चीज तुमने पाई है महाराज, वो मेरे को देखो, वो चीज मेरे को चाहिए, बस ये, कुछ नहीं चाहिए। भरत जी कहते हैं कि वो चीज देने की नहीं होती है, वो चीज तो तेरे पास मौजूद है, हम इशारा तक कर सकते हैं, तो बाबा जी कर दो इशारा। बाबा ने देखा कि ये चलती गाड़ी में तो इशारा होता भी नहीं है, इसके लिए भी थोड़ा चाहिए कुछ समय। बोले ऐसे घोड़े होता है, सेवा करो तब मिलेगा। बोले महाराज क्या सेवा करूं, भरतरी जैसा महाराज सब कुछ छोड़ के आया तो जो कुछ पाया होगा तो सही कुछ लोग सेवा कर। वो बोले सामने जो गाँव दिख रहा है पहाड़ी पे, मामा घर के लग दी वो बड़े हेटले, हमने गांव देखा तो पण हेडे सवारे है तो बीजी सवारे पोकाय ना पोकाय हुआ छे। टकरी पे छोटा सा गांव था, मालधारी होते ना गाय वैसे ये वो रखते हैं गेटा बेटे, उनका थोड़ा छोटा सा छपड़े बपड़े थे। बोले उनसे दही लिया थोड़ी, चलता चलता गया, शाम हो गई, थका मांदा, रोटी का टुकड़ा लिया खाया, दही, बोले दही अभी जमाया है सुबह ले लेना। बैठ गया, कोई सामने गुफा गुफा थी, कथा कहती है कि उसको भरतरी ने देखा अपने ढंग से, अपनी ज्ञान दृष्टि से, कुछ संप्रेक्षण शक्ति का एकांतवास में, वो अपना मौन मंदिर में साधकों को बहुत बढ़िया बढ़िया अनुभव होते, कई सूक्ष्म जगत के अनुभव होते, शांति आनंद न जाने अद्भुत अद्भुत विलक्षण विलक्षण अनुभव होते हैं। एकांतवास होता है ना तो तुम्हारी वृत्तियां कुछ झेलने के काबिल भी बनती। वो ब्राह्मण एकांत में बैठा और भरतरी ने अपना संकल्प किया, उसको ध्यान लग गया, ध्यान लग गया, इतना ध्यान की गहराई में आ गया कि समय का उसको कोई पता नहीं लगा। हाय राजा के पास, बोले महाराज आपकी सेवा के लिए तो मैं गया था दही लेने को, थोड़ा आराम किया, रात पड़ गई थी, देखा तो फिर सुबह ऐसे बैठे बैठे कुछ ध्यान ध्यान हुआ, देखा कि गाँव का गाँव गए, अभी सब सपने जैसा, ही सब क्या है। भाई तेरे को दही लेने को भेजा नहीं था, ये प्रैक्टिकल समझाने को भेजा था कि सब सपना है, मैंने क्यों छोड़ा है, ये सब सपना है, संसार स्वप्न मात्र है, तो उस स्वप्न में जाते तो वो सच्चा लगता है और इस स्वप्न में आते तो ये सच्चा लगता है। वास्तव में जनक ने अष्टावक्र से पूछा था, महाराज ये सत्य कि वो सत्य, कईयों को बंद नजर कैद कर दिया था, कई पंडितों से पूछा ये सत्य कि वो सत्य, पंडित जवाब नहीं दे सके, नजर कैद कर दिया। अष्टावक्र ज्ञानी थे, योगी थे, अष्टावक्र ने कहा महाराज क्या बोलते हो, ये सत्य वो सत्य, रात को देखा तुमने स्वप्न, शेर ने तुम्हारी बाँह निगल रहा था और बाँह बचाने के लिए जोर से हाथ फेंका तो रानी के नाक पर पड़ा और नकोली फूटी, गरम गरम खून और आपकी नींद खुल गई। अब आपको लगता है कि उस समय का वो सच्चा था कि ये सच्चा था, न ये सच्चा है न वो सच्चा है, जहाँ तुम्हारी वृत्ति जाती उस वक्त सत्य हो भासता है, न ये सच्चा न वो सच्चा, लेकिन जहाँ से वृत्ति उठती है वो चैतन्य परमात्मा सत्य के सिवा सब खिलवाड़ मात्र।
इसी बात को तुलसीदास कहते हैं, स्वप्ने हो भिखारी नृप रंक नाक पति हो, जागे लाभ न हानि कछु तिम प्रपंच जिय जग सो, सियावर रामचंद्र की। स्वप्ने सिर काटे कोई बिन जागे दुख दूर न हो। वेदांत हमको प्रवृत्ति छोड़ने को नहीं कह रहा है, वेदांत हमको प्रवृत्ति से निवृत्ति नहीं देता है, लेकिन प्रवृत्ति में जो अहम प्रत्यय है अथवा प्रवृत्ति में जो हमारा बहाव है, उस बहाव से बचकर पहले हम अपने स्वरूप को जाने, फिर एक राज्य नहीं दो राज्य संभालो। भागीरथी गंगा लाओ, तुम्हारे में इतना बल है, सामर्थ्य है, योग्यता है, लेकिन ये जो वृत्तियां है, ये वृत्तियां तुम्हारी साधारण व्यक्ति की अपेक्षा तो तुम्हारी अच्छी वृत्तियां हैं, लेकिन इन वृत्तियों से भी परे जो तुम हो, उस अपने असली खजाने को एक बार जान लो तो तुम तो धन्य हो जाओगे, तुम्हारे 21 कुल भी धन्य हो जाएंगे, तुम्हारी जिस पर मीठी नजर पड़ेगी ना उसका भी कल्याण हो जाएगा, ऐसा तुम्हारे पास मौजूद है। सुनिया सकना कोई नहीं सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथी खोले नहीं कर्मी भयो कंगाल। कबीर जी कहते हैं मूर्ख आदमी में तो अकल ही नहीं है कि वो बात को समझे या यात्रा कर सके, और हम लोग कर्मकांड में और बाहर की प्रवृत्ति में इतना स्पीड से चले गए कि अपने तरफ आने का समय ही नहीं मिलता। वरना ये कठिन नहीं है, जो लोग समझते हैं आत्मज्ञान पाना या परमात्मा प्राप्ति कोई कठिन कठिन नहीं है, कठिन है ना आपड़ू काम नहीं, आपड़े तो गृहस्थी आपड़े तो संसारी, ये जो धारणा है ना वो उस विषय को कठिन बना देती। होम होम होम, ध्यान से सुन लेना, हमारी वृत्तियों में कभी दुख होता है कभी घृणा आ जाती है, वृत्तियों को शुद्ध रखने के लिए जैसे हमने किसी का कफ देखा, किसी की विष्ठा पड़ देखी, गंदा देखा, तो हमारी वृत्ति ग्लानी वाली हो जाती है। ग्लानी वाली वृत्ति जो है ना हमको नीचे ले आती है। ध्यान से सुनना, जरा समझ लेना इस बात को थोड़ा। तो मल विष्ठा आदि का दर्शन, पित्त कफ का थूक का दर्शन, कौवे चंडाल कुत्ते का दर्शन जिस समय हो उस समय अपने चित्तवृत्ति को शुद्ध करने के लिए सूर्य का दर्शन, देव का दर्शन, या तो फिर अपने स्वरूप का स्मरण अथवा भगवान नाम जप करने से वो वृत्ति फिर पवित्र हो जाती है। जो कुछ ऐसा देखा कि आपकी वृत्ति थोड़ी खिन्न हो जाती, वो खिन्नता से हानि होती अपने को, गंदा देखने से कैसे उबान आती है, तो किसी के गलफे पर कफ पर नजर पड़ जाए, किसी की के पर नजर पड़ जाए, विष्ठा पर गंदी पर, कौवे को देख लिया सुबह अथवा कुत्ता को, ऐसा कुछ जिससे तुम्हारा चित्त में क्षोभ पैदा होता है, उस वक्त गौ का दर्शन, गाय का दर्शन, सूर्य का दर्शन, अग्नि का दर्शन उचित है, हितावह है, अथवा तो फिर परमात्मा नाम स्मरण, अथवा ये सब वृत्तियों को हो रहा है, इन वृत्तियों को देखने वाला मैं साक्षी आत्मा, मेरे को मेरा मां प्रणाम हो। ओम हरि ओम, ओम ओम, ओम।